जानी, तुमने एक शेर को फोन किया है तो सब्र रख, शेर अपने हिसाब से फोन उठाएगा, जब मूड होगा तब जवाब देगा, वरना फोन काट देगा, क्योंकि मोबाइल तो हम सिर्फ शौक के लिए रखते हैं, वरना हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि जानी तुमने एक शेर को फोन किया है, इस कॉलर ट्यून को कैसे सेट करें अपने जियो नंबर पर। तो भाई साहब, ये वीडियो ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, मैंने तुम्हें फर्स्ट में ही लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि मैंने इस कॉल ऑटोन को सेट करके रखा है। और भाई साहब, मैंने इसको अभी सेट नहीं किया है, मैंने आज से 2-3 साल पहले इस कॉल ऑटोन को सेट करके रखा है और मैं अभी तक इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई साहब, अगर आप भी इस कॉल ऑटोन को सेट करना चाहते हो ना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और भाई साहब, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ना इस कॉल ऑटोन को सेट करने के लिए, भाई साहब यूट्यूब पर शायद ही किसी बंदे ने ये वाली ट्रिक तुम्हें बताई होगी। ओके, तो चलो फिर फोन की स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट से एंड सीखते हैं कि जानी तुमने एक शेर को फोन किया है, कॉल ऑटोन कैसे सेट करें अपने जियो नंबर पर। तो चलो फिर, ये दोस्तों हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो भाई साहब, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने फ़ोन के इनबॉक्स में, मतलब कि अपनी मैसेज वाले ऐप में जो आपका मैसेज होता है, ठीक है दोस्तों। आपको सिंपली अपने इनबॉक्स में चले जाना है और दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर प्लस के आइकन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ना न्यू एसएमएस पे जाओगे ना भाई साहब, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक नंबर डायल करना है जो कि है 5678 एंड यहाँ पे 9। आपको ये नंबर यहाँ पे डायल करना है 5678 9, ठीक है। एंड दोस्तों आपको ना यहाँ पे नीचे एक एसएमएस सेंड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। तो भाई साहब, आपको यहाँ पे क्या लिखना है उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, जो मैं लिखूँगा ना भाई साहब वही तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है एंड सेम टू सेम तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ठीक है भाई साहब। तो यार यहाँ पे मैं लिखता हूँ जानी, एंड यहाँ पे टी बड़ा, एंड यहाँ पे तुमने एक शेर को। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले अक्षर यहाँ पे बड़े लिखने हैं एंड यहाँ पे बाकी दूसरे छोटे लिखने हैं, ठीक है ना। जानी तुमने एक शेर को, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और आपको सेंड कर देना है यहाँ पे 5678 9 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे एसएमएस जा चुका है, तो यहाँ पर हमें हल्का सा वेट करना है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट में आ चुका है, जानी तुमने एक शेयर को फ़ोन किया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक नंबर पे आ रहा है ना यहाँ पे सर्च में, तो दोस्तों आपको यहाँ पे रिप्लाई में एक लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब मैंने एक लिख दिया एंड आपको यहाँ पे सिंपली सेंड कर देना है, ठीक है। तो भाई साहब अब यहाँ पे देखो कि मतलब यहाँ पे नीचे लिखा आ चुका है यहाँ पे एक नंबर पे ऑल कॉलर्स, कि आप सभी के लिए रखना चाहते हो दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली फिर से एक रिप्लाई कर देना है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे मैं एक रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रिप्लाई कर दिया, तो भाई साहब ये हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा आ चुका है सॉरी सेम ट्यून ऑलरेडी एग्जिट। तो दोस्तों मतलब पहले से मेरे नंबर के ऊपर यही वाली कॉलर ट्यून लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे सॉरी लिखा आया है, ठीक है। तो भाई साहब आपको बस यही स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं और भाई साहब 101% तुम इस कॉल ऑटोन को सेट कर पाओगे। और अगर तुम नहीं कर पाए ना भाई साहब, मुझे कमेंट में जितनी मर्जी तुम गाली लिख सकते हो उतनी तुम लिख सकते हो। तो भाई साहब ये ना बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है और तुम इस तरह से जानी तुमने एक शेयर को फ़ोन किया है कॉल ऑटोन सेट कर सकते हो अपने जियो नंबर पर। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई ना भाई साहब तो लाइक कर दो यार, एंड अगर तुम टैग ज्ञानी पर फर्स्ट टाइम आए ना भाई साहब सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारे भाई का चैनल है यार। और इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि वो भी इस कॉल ऑटोन को रख पाएँ। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, टाटा बाय, टेक केयर। We'll be right back.